रजन फिर दर्द से कराहते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो कामेश्वरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो यहाँ से। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ ही पलट कर कहती है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने देने वाली रजन, आज तू मेरे हाथों यही मरेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेखक बाबू के बारे में वो सब कहने की? तू ही था ना जो मेरे लेखक बाबू के पास जाने वाला था उन्हें मारने के लिए? अब बता कौन किसको मार रहा है, किसके हाथ में किसकी जान है? रजन फिर बोल पड़ता है, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ कामेश्वरी, अब मुझे माफ भी कर दो। मैं तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख मांगता हूँ। मुझसे जो हुआ जाने अनजाने में हुआ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक रूप ऐसा भी है जो मुझे चारों खाने चित कर देगा, जो मुझे इस तरह हरा कर रख देगा। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ कहने वाली थी कि तभी रजन फिर बोल पड़ता है, तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे लेखक बाबू से कोई बात ना करूं, यहां से चले जाऊं तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे लेखक बाबू से कोई बात नहीं करूंगा। बात करने की बात तो दूर है, मैं तुम्हारे लेखक बाबू से मिलूंगा तक नहीं, कभी नहीं मिलूंगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं वापस चले जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में लौट कर नहीं आऊंगा। तुम्हें तुम्हारे लेखक बाबू के साथ रहना है ना, तो तुम रहो खुशी से, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस तुम मेरी जान बख्श दो। जब कामेश्वरी यक्षिणी रजन के मुंह से ये बात सुनती है, तब उसके मन को कुछ सुकून मिलने लग जाता है, उसका मन शांत होने लग जाता है। आखिर वो यही तो चाहती थी कि रजन उसके और अनुराग के बीच में कभी ना आए, वो अपनी सारी जिंदगी अनुराग के साथ बिताए। रजन फिर बोल पड़ता है, अब तो मुझे छोड़ दो कामेश्वरी, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम जो चाहती थी वही सब तो मैं कर रहा हूँ, अब तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती हो? तुम ये बात कैसे भूल रही हो कि मैं यक्षिण लोक का सेनापति हूँ? अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर यक्षिण लोक की रक्षा कौन करेगा? यक्षिण लोक को मेरी जरूरत है। जब तुम यहाँ पर हो तो उस लोक की रक्षा की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। अगर तुम मुझे यहीं पर मार दोगी तो फिर यक्षिण लोक का क्या होगा? एक बार जरा सोच कर देखो इस बारे में। अगर यक्षिण लोक पर असुरों और राक्षसों ने मिलकर आक्रमण कर दिया तो फिर हमारा लोक उनका हो जाएगा और हम फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। रजन की बातों ने कामेश्वरी यक्षिणी को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भी इस बारे में सोचकर कुछ घबराने लग गई थी। वो भी यक्षिण लोक के निवासियों के हाल के बारे में सोचकर डरने लग गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी कोई फैसला ले पाती उससे पहले ही रजन फिर बोल पड़ता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कामेश्वरी, मैं यक्षिण लोक वापस चले जाऊंगा, मेरा यकीन करो, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे जिंदा छोड़ दो। रजन की बातें सुनकर और उसका रोता हुआ चेहरा देखकर कामेश्वरी यक्षिणी का मन बदलने लग जाता है और धीरे धीरे उसका गुस्सा पूरी तरह शांत होने लग जाता है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी का गुस्सा शांत होता है, रजन को कामेश्वरी यक्षिणी पहले की तरह नॉर्मल नजर आने लग जाती है। अब उसे कामेश्वरी यक्षिणी का डायन रूप नजर नहीं आ रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी रजन से कहती है, रजन अगर इससे पहले तू मुझे अमावस्या और पूर्णिमा की रात मिला होता तो अब तक तो मैं तेरी बलि चढ़ा चुकी होती। बातों बातों में इतना वक्त मैं जाया नहीं करती। वो तो लेखक बाबू के प्यार ने मुझे बदल दिया है। लेखक बाबू ने मुझे बताया है कि किसी की जान की क्या कीमत होती है। जान लेना आसान होता है पर जान बचाना मुश्किल। सिर्फ उसी की वजह से मैं तुझे छोड़ रही हूँ, वरना आज मैं तुझे यहीं पर जिंदा काट देती। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी रजन को नीचे उतार देती है। कामेश्वरी यक्षिणी की चोटी वापस से छोटी होती है और वापस से उसकी पीठ पर आ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी की चोटी फिर से उसकी पीठ पर लहराने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी रजन से कहती है, अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा रजन, और फिर दोबारा कभी मुझे अपनी सूरत तक मत दिखाना, वरना तेरी खैर नहीं। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, मैंने लेखक बाबू से विवाह भले ही ना किया हो पर मैं उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब मैं उनके साथ इसी लोक में रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझा तू? और तू वापस यक्षिण लोक लौट जा, उसी में तेरी भलाई है। रजन हड़बड़ाहट के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ कामेश्वरी, मैं वापस यक्षिण लोक लौट जाऊंगा, बस तुम मुझे जाने दो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, एक बात और रजन, इस लोक की बात हो या किसी दूसरे लोक की, नारी तो जैसे मर्द पर हमेशा भारी थी और हमेशा भारी रहेगी। तो जैसा वासना से भरा हुआ मर्द हमेशा नारी के तलवों के नीचे ही रहेगा, कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, समझा तू? कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात सुनकर रजन को गुस्सा तो आता है, पर वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो जानता था इस वक्त कुछ भी करना ठीक नहीं था, वो बस शर्म से अपना सिर नीचे झुकाए रहता है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, अब यहाँ पर खड़ा क्या है तू, जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरे लेखक बाबू यहाँ पर वापस आ जाए। रजन शर्म से अपना सिर नीचे झुकाते हुए ही वहां से जाने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी भी रजन को वहां से जाते हुए देखने लग जाती है। जैसे ही रजन वहां से जाता है, कामेश्वरी यक्षिणी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है।
इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी युग और यामिनी के साथ खड़ी हुई थी और उन्हें अपनी दास्तां सुना रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी ने युग और यामिनी को वो सारी बातें बता दी थी जो भी उसके और रज्जन के बीच में हुई थी, जब रज्जन उससे बंगला मुड़ा घाट पर मिला था। सारी बात सुनने के बाद युग खुद से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कहानी का यह किस्सा सच था। पापा सच में लुम सोपेट बिनिंग की पहाड़ी के पास गए थे। मुझे अच्छे से याद है उस कहानी में पापा जब लुम सोपेट बिनिंग पहाड़ी से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त उन्हें ये एहसास हुआ था कि कोई उनके पीछे अपने कदम बढ़ा रहा है, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया था। बल्कि सच तो यह है कि वहां पर रज्जन छुपा हुआ था जो उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। यामिनी भी युग के साथ ही बोल पड़ती है, मतलब रज्जन को उस गुफा से बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि अनुराग अंकल थे। अगर अनुराग अंकल उस गुफा में नहीं गए होते तो रज्जन कभी उस अंधेरी गुफा की भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाता। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ यामिनी बेटी, सिर्फ और सिर्फ लेखक बाबू की वजह से ही रज्जन उस अंधेरी गुफा से बाहर निकल पाया था। अगर लेखक बाबू वहां पर नहीं गए होते तो रज्जन का किस्सा पृथ्वी लोक पर कभी शुरू ही नहीं हुआ होता। युग कुछ सोचते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, उस कहानी के अनुसार क्या ये बात भी सच है कि आपने कभी पापा को नहीं बताया कि आपकी रज्जन से पृथ्वी लोक पर मुलाकात हुई थी? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ युग, मैंने लेखक बाबू को कभी नहीं बताया कि मेरी रज्जन से कभी मुलाकात हुई थी। युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, पर क्यों कामेश्वरी जी, आपने कभी पापा को इस बारे में क्यों नहीं बताया? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्तों को बचाने के लिए सब कुछ जानकर भी अनजान बनना पड़ता है, कुछ बातों को छुपाना पड़ता है ताकि रिश्तों की नींव कमजोर ना पड़े। मैं जानती थी कि अगर मैंने लेखक बाबू को ये बात बताई कि मैं रज्जन से मिली थी तो वो फिर से रज्जन से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो जो मुझ पर कहानी लिख रहे थे उसमें एक रज्जन का किरदार भी था और वो उस किरदार के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे। कुछ ऐसे सवाल थे जिसके जवाब मेरे पास भी नहीं थे, इसलिए वो रज्जन से मिलना चाहते थे। पर मैं नहीं चाहती थी कि लेखक बाबू और रज्जन का आमना सामना भी हो, क्योंकि रज्जन बहुत शातिर था। कब वो दोस्त से दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था और मैं लेखक बाबू को कभी किसी खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकती थी। युग फिर कुछ कहने ही वाला था कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, उस हादसे के बाद ही मुझे पता चला कि लेखक बाबू सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कभी मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि रज्जन से मिलने के बाद अगले दिन जब मैंने लेखक बाबू से पूछा था कि वो कल सुबह मेरे दैवीय झरने के पास जाने के बाद कहां पर गए थे, तो उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया था कि वो लुम सोपेट बिनेंग की पहाड़ी पर गए थे ये जानने के लिए कि स्वर्ण सीढ़ियों का अस्तित्व सच में था या नहीं, और उन्हें इस बात की उम्मीद भी थी कि रज्जन उन्हें वहां पर मिल जाएगा। जब लेखक बाबू ने खुद सारा सच मुझे बता दिया तो मैंने उन्हें कुछ भी ना बताना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे लेखक बाबू की आंखों में उस वक्त भी रज्जन से मिलने का जुनून नजर आ रहा था, एक ऐसा जुनून जो उनसे कुछ भी करवा सकता था। मैं तो बस इस बात से खुश थी कि लेखक बाबू ने खुद मुझे सारा सच बता दिया, मुझसे झूठ नहीं बोला। यामिनी कुछ सोचते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछती है, पर अगर उस रात के हादसे के बाद रज्जन वापस से यक्षिण लोक चले गया था तो फिर मेरा जन्म कैसे हुआ? क्या वो सारी बातें झूठ हैं जो रज्जन का श्राप तोड़ने के बाद उसने मुझे बताई थी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, रज्जन ने तुम्हें क्या बताया ये मुझे नहीं पता यामिनी बेटी, पर अब मैं तुम्हें वो बताने जा रही हूँ जो मेरी जिंदगी का ऐसा कड़वा सच है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। युग और यामिनी चुप ही रहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, तुम्हें क्या लगता है यामिनी बेटी, उस रात रज्जन हारने के बाद इतनी आसानी से मेरी बात मानकर पृथ्वी लोक छोड़कर यक्षिण लोक वापस जाने वाला था? नहीं, उसके अंदर वासना भरी हुई थी यामिनी बेटी, मुझे पाने की वासना। मुझे पाए बिना वो नहीं जाने वाला था, वो एक जानवर था जानवर, और अब तो मैंने उसे हरा भी दिया था तो उसे तो किसी न किसी तरह मुझसे बदला लेना ही था। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी गलती पर पछताते हुए कहती है, सारी गलती मेरी ही है, मुझे उस रात उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था, उसी वक्त उसको मारकर उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था। अगर मैंने उसे उसी वक्त मार दिया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। यामिनी और युग कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ पूछते उससे पहले कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, उस रात के हादसे के बाद मैंने भी रज्जन को धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिया था। मैं इस किस्से को पूरी तरह भुलाना चाहती थी कि रज्जन कभी मुझसे पृथ्वी लोक पर मिला भी था, पर एक कहानी और हमारी जिंदगी की कहानी में यही तो फर्क होता है कि कहानी के किस्से को तो भुलाया या मिटाया जा सकता है, पर जिंदगी की कहानी के किस्से को मिटाना मुश्किल है। कामेश्वरी यक्षिणी युग की तरफ देखते हुए कहती है, पर जैसे तैसे करके मैं जिंदगी की ट्रेन को वापस से पटरी पर लाने लग गई थी,
धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलने लग गया था, पर कुछ दिनों बाद ही पता नहीं क्यों लेखक बाबू को चित्रा की बहुत याद आने लग गई थी। इतनी याद कि सपने में भी उन्हें चित्रा ही नजर आती थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था। लेखक बाबू के दिल में तो मैं थी, फिर उनके सपनों में चित्रा कैसे आ रही थी। और फिर एक दिन उन्हें चित्रा का फोन आया। उसने लेखक बाबू से कहा कि युग की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इतनी ज्यादा कि वो मरने की कगार पर है। कामेश्वरी यक्षिणी की इस बात का जिक्र छेड़ते ही युग को फिर उस कहानी की याद आने लग जाती है जो उसने उस रात लिखी थी। उसे याद आता है कि ऐसा ही एक किस्सा वो उस कहानी में पढ़ चुका था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है। जब लेखक बाबू को पता चला कि युग की तबीयत खराब है तो वो बहुत घबरा गए थे। उनका घबराना जायज भी था, आखिर युग तुम उनके बेटे थे और एक बाप के लिए उसका बेटा उसकी जान होता है। मैं चाहती तो उसी वक्त लेखक बाबू को मना कर सकती थी शहर जाने से, उनसे कह देती कि उन्होंने मेरे साथ बिसाहा किया है जिंदगी भर मेरे साथ रहने का। पर मैंने लेखक बाबू का मन पढ़ लिया था, वो सच में बहुत घबराए हुए थे। उन्हें युग की अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही थी और मैं अपने लेखक बाबू को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। आखिर मैं उनसे प्यार करती थी और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें परेशानी में नहीं देख सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। सिर्फ जाने ही नहीं दिया, साथ में डायन समुदाय का काजल भी दिया जिससे युग जल्दी ठीक हो जाए। कामेश्वरी यक्षिणी गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, जब लेखक बाबू शहर गए तो उनके शहर जाने के बाद ही मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि मैं वापस से फिर कभी अपनी जिंदगी को संवार ही नहीं पाई। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है, जैसे उस हादसे के बारे में याद करके आज भी उसकी रूह कांप रही हो। युग नम लहजे के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, आखिर हुआ क्या था पापा के जाने के बाद कामेश्वरी जी? मुझे अच्छे से याद है उस कहानी में भी पापा जब शहर से वापस लौट कर आए थे तो आप काफी बदली बदली नजर आ रही थी। आप फिर वो यक्षिणी कभी रही ही नहीं जो पहले थी। यामिनी भी युग का साथ देते हुए कहती है, आखिर हुआ क्या था माँ अनुराग अंकल के शहर जाने के बाद? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।